हाय फ्रेंड्स, अपने बारे में कभी भी दुर्घटनाग्रस्त शब्द ना इस्तेमाल करें। वो दुर्घटनाग्रस्त शब्द क्या है? अरे बस मैं तो बहुत बेकार हूँ, मेरा तो लक ही मेरा साथ नहीं देता, मैं तो जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकता, हम तो इस दुनिया में ऐसे ही आ गए। इस तरह के दुर्घटनाग्रस्त शब्द कभी भी अपने लिए आप स्वयं से इस्तेमाल मत कीजिए। जब आप अपने स्वयं से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद आपके अंदर वैसे ही परिवर्तन लाता चला जाता है। अगर आपको लगता है कि आप बेकार हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा हाँ ठीक है, और उसके बाद आपको बेकार बार 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 बेकार का एहसास कराता रहेगा। तो अपने बारे में कोई भी गलत शब्द ना बोले। बहुत छोटे उम्र से ही न जाने हमने कितनी चीजों को करने का सोचा है और बहुत छोटी उम्र से ही हम उनको करते भी आ रहे हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा साइकिल चलाने की सोचता है, कितनी बार गिरता है लेकिन साइकिल चला लेता है। तो वो उसके बाद ये क्या होता है कि वो जो चाहता था और वो उसने कर दिखाया, तो वो उसकी एक सक्सेस स्टोरी बन जाती है। बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो आपने अपनी लाइफ में की हैं। अपनी सक्सेस स्टोरीज जितनी भी हैं उनको एक पेपर में नोट कर लीजिए। आप ये देखिए कि आप ये चाहते थे और आपने वो कर लिया। बहुत छोटी छोटी बातें, आप गाड़ी चलाना चाहते थे और आप गाड़ी चलाना सीख गए। आपको स्मार्टफोन के फंक्शन नहीं पता थे और आपने स्मार्टफोन के फंक्शन शुरू कर दिए। आपको जो भी छोटी छोटी बातें लगे उनकी अपनी एक सक्सेस स्टोरी बनाइए। उसके बाद उस डायरी का शीर्षक रखिए माय सक्सेस स्टोरी। ये सक्सेस स्टोरी आपको कभी भी, जब भी आप कभी भी लाइफ के अंदर हतोत्साहित हो और आपको लगे कि मेरा आत्मविश्वास कहीं ना कहीं पे कमजोर पड़ रहा है, तो आप इन सक्सेस स्टोरी को दोबारा से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपकी है। अभी तक हमने क्या किया है कि हम न जाने कितने लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ते रहते हैं और उनसे हम आत्मविश्वास को जागृत करते हैं, लेकिन जब आप अपनी ही सक्सेस स्टोरी को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका आत्मविश्वास बहुत तेजी से ऊपर उठेगा। कभी भी यस कहने में ना घबराएं। जिस भी काम को आप करना चाहते हैं और उसको आपको करने का मौका मिले, चाहे आपको वो आता है या नहीं आता है, तो उसके लिए यस कह दें। अगर आप मंच पर आकर लोगों को कुछ बोलना चाहते हैं और अगर स्पीकर बोलता है कि आप में से कोई है जो यहाँ पर आकर बोलना चाहे, तो तुरंत हाथ उठाएं, भूल जाएं कि आप क्या बोलेंगे, छोड़ दें कि मुझे मंच पे बोलना नहीं आता। आप जाएं और बोलें। अगर कोई भी बात है, कोई भी कहीं पर भी ऐसा मौका है कि आपको वो प्लेटफॉर्म मिलता है कि जहां पर वो काम कर सके, तो यस कहने में पीछे ना हटें।